Welcome to Upstream Amazon Private Label Training. The course is designed by Saqib Siddiqui, a Canadian mentor and earliest e-commerce pioneer since 1999. His 23 years of experience helped many failing businesses to make profits. Let's take a look at what he's going to teach us in the course. अच्छा जी, प्री लॉन्च के अंदर हमने अपनी स्ट्रेटजीज़ को देख भी लिया कि किस तरह से हम प्री लॉन्च में कौन कौन सी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हैं और किस तरह से हमारी इन्वेंट्री या तो FBA में आती है या FBM में पड़ी होती है। अब टाइम आ गया जी लॉन्च का, तो Amazon लॉन्च के अंदर कौन कौन सी स्ट्रेटजीज़ हमें यूज़ करनी चाहिए और कौन कौन सी चीज़ें हमें देखनी चाहिए, हम उनको डिस्कस करते हैं वन बाई वन। सबसे पहले जी थिंग्स टू कंसीडर एट लॉन्च, उसमें आपको Amazon का अर्ली रिव्यू प्रोग्राम लेना होता है। Amazon अर्ली रिव्यू प्रोग्राम क्या है? Amazon अर्ली रिव्यू प्रोग्राम में Amazon इटसेल्फ अपने स्पेसिफिक जो ऑथराइज्ड उनके बायर्स हैं उनको कहता है कि जी ये प्रोडक्ट बाय करें और फ्री ऑफ कॉस्ट वो प्रोडक्ट बाय करते हैं और उस प्रोडक्ट का एक ट्रू और ऑनेस्ट रिव्यू देते हैं। तो 5 रिव्यूज़ लेकर आता है Amazon इटसेल्फ। अगर वो रिव्यू ना आ रहा हो तो Amazon बार बार उनको रिमाइंड करता है और वो रिव्यू लेकर आना Amazon की जिम्मेदारी हो जाता है। वो फिर Amazon अर्ली रिव्यू प्रोग्राम के थ्रू आपको 5 रिव्यूज़ लेकर देता है, बट ये ज़रूरी नहीं है कि वो रिव्यू आपके 5 स्टार आएंगे, रेटिंग्स उसमें आएंगी 1 स्टार आएंगी और रिव्यूज़ अच्छे आएंगे कि बुरे आएंगे। तो वो रिव्यूज़ बेस कर रहे होते हैं आपकी प्रोडक्ट के ऊपर। आपकी प्रोडक्ट में जान है तो ऑब्वियसली जो रिव्यू करने वाला बंदा है वो आपकी प्रोडक्ट में जो भी क्वालिटी होगी बड़े डिटेल्ड रिव्यू लेकर आएगा। और जब रिव्यू सेक्शन में हम आते हैं तो लिस्टिंग के अंदर ये भी मेंशन किया होता है कि कहाँ कहाँ जो स्पेशल Amazon के अर्ली रिव्यू प्रोग्राम से रिव्यूज़ आए हुए हैं वो कौन कौन से रिव्यूज़ हैं, वो उसमें मेंशन होते हैं। ये आपने Amazon का अर्ली रिव्यू प्रोग्राम ऑप्ट करना है। इसके बाद डिस्काउंट वाउचर एंड कूपन्स लगाने हैं, ये बहुत ज़रूरी होते हैं स्टार्ट में क्योंकि आपको रैंकिंग चाहिए, आपको बूस्ट चाहिए सेल्स के अंदर। तो आपने जो भी अपनी प्राइस फाइनलाइज की है उसके अगेंस्ट आपने डिस्काउंट वाउचर्स एंड कूपन्स लगाने हैं। ये कहाँ से लगते हैं ये हम देख लेते हैं। हम आते हैं अपने Amazon के सेलर सेंट्रल पे। एडवर्टीजमेंट के अंदर आप देखें कि वाइन प्रोग्राम है, डील्स हैं, वाउचर्स हैं या कूपन्स हैं। तो मैनेज प्रमोशन में तो आपने देखना है आपने डील्स लगानी है, वाउचर्स लगाने हैं। आप देखते हैं हम वाउचर्स कैसे लगते हैं। यहां पर हम क्रिएट कर लेंगे न्यू वाउचर। जो भी एसी नंबर होगा उसको सेलेक्ट करेंगे, सर्च करेंगे, फॉर एग्जांपल ये हमारा एसी है, हमने इसको कंटिन्यू कर दिया। स्टार्ट डेट कब से कब तक हम लगाना चाहते हैं, 1 वीक का लगाना चाहते हैं, परसेंटेज ऑफ करना चाहते हैं कि कोई स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ करना चाहते हैं, 10% पर लगा देते हैं। एक कस्टमर एक कूपन अगर लेना चाहता है तो लिमिट रिडेम्पशन पे क्लिक कर देंगे। कितना बजट हो तो ये वाउचर्स जो है वो रिडीम होना बंद हो जाए, हम उसको एक बजट दे देते हैं। मिनिमम 100 होना चाहिए, मैक्सिमम ये वैल्यू होनी चाहिए। वाउचर का टाइटल क्या होना चाहिए, सेव 10% ऑन जो भी आपकी प्रोडक्ट है, किड्स लंच बॉक्स। कस्टमर कौन से टारगेट करने हैं, प्राइम, स्टूडेंट, फैमिली या सब कस्टमर्स को टारगेट करना है। कंटिन्यू करेंगे आपका वाउचर्स लग जाएगा। इसके अलावा आप डील्स में आए, डील्स देख लेते हैं। यहाँ पे न्यू डील क्रिएट करते हैं। यहाँ पे कोई भी डील होगी, 7-day डील, लाइटनिंग डील या कोई भी डील होगी वो यहाँ पे अपीयर हो रही होगी। अभी कोई रिकमेंडेशन नहीं आ रही डील्स की, तो जो भी वीकली बेसिस पे डील्स आएँ
आप उसको चेक करते रहें और ऑप्ट करते रहें। प्रमोशन में चले जाते हैं, यहां पर भी आप मनी ऑफ कर सकते हैं या बाय वन गेट वन या बाय टू गेट वन या बाय थ्री गेट वन आप प्रमोशन क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी यहां पर एडवर्टीजमेंट डील्स वाउचर्स और कूपन जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा अमेज़न का वाइन प्रोग्राम है, इसके अंदर भी आप रजिस्टर्ड हो सकते हैं। इसके अंदर आपको ये वो ट्रस्टेड रिव्यूज़ मिलते हैं जो कि अर्ली रिव्यू प्रोग्राम के थ्रू मिल रहे हैं। ट्रैफिक आता है और कन्वर्जन आपकी इम्प्रूव होती है और कस्टमर जो है वो बेटर तरीके से अंडरस्टैंड करता है। इसके ऑब्वियसली चार्जेस होते हैं बट अमेज़न इटसेल्फ ट्रस्टेड रिव्यूज़ आपको लेकर देता है। तो सबसे पहले तो आपने इन चीज़ों के ऊपर नज़र रखनी है। इसके बाद क्या चीज़ आपने नहीं करनी, आपने गिव अवे कोई नहीं करना, बिकॉज अमेज़ॉन ने ये अनाउंस कर दिया है कि गिव अवे लीगली तौर पर बैन है। कोई भी अकाउंट गिव अवे करता हुआ पकड़ा गया तो वो टोटली ब्लॉक कर देंगे। और आप उसको ये भी नहीं कह सकते कि मुझे नहीं पता था मेरे वीए ने किया है या मेरे फ्लाह ने किया है तो ये मेरा अकाउंट है मुझे वापस कर दिया जाए। अमेज़ॉन नहीं सुनेगा, हु एवर डू दिस आपके अकाउंट पर हुआ है आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा, अमेज़ॉन उसके बाद आपको जवाब देना बंद कर देगा। तो अमेज़ॉन के पॉलिसी के थ्रू गिव अवेज जो है वो बैन हो चुके हुए हैं। इसके लिए मैं आपको अमेज़ॉन के प्लेटफॉर्म पे दिखा भी देता हूँ, अमेज़ॉन ने स्ट्रिक्टली मना कर दिया है। मैं आपके साथ अभी एक पिक्चर शेयर करता हूँ। लेट मी ओपन द पिक्चर, इसके अंदर ये शो हो रहा है कि अमेज़ॉन ने जो रिव्यूज़ हैं फेक रिव्यूज़ जो लेकर आ रहा है वो अलाउ करना बंद कर दिए हुए हैं। इसलिए आप रिव्यूज़ के लिए अमेज़ॉन के ऊपर बिल्कुल भी ना जाएं। रिव्यू लेने के लिए आपके दूसरे मेथड्स हैं उनको अडॉप्ट करें जो हम आपको अभी आगे चलकर बताते हैं और एडवांस में भी सिखाएंगे। अभी मैंने ओपन किया हुआ रिव्यूज़ का, मीनवाइल मैं आपको बताता चलूं कि आपने एग्रेसिव पीपीसी भी नहीं करनी। अभी आपकी लिस्टिंग के ऊपर इतने रिव्यूज़ नहीं हैं, आप नए सेलर्स हैं और आप अपनी एग्रेसिव पीपीसी रन करते हैं तो आपको सेल नहीं मिलेगी। इट टेक टाइम कि आपको रिव्यूज़ मिलें और रिव्यूज़ के बाद आपकी रैंकिंग इम्प्रूव हो, तब आप जाके अगर एग्रेसिव पीपीसी करेंगे तो कन्वर्जन बेहतर आएगी। स्टार्ट में तो अमेज़ॉन इटसेल्फ हनीमून पीरियड देता है और आपकी लिस्टिंग को रैंक कर देता है, बूस्ट कर देता है, तो उसमें इतना एग्रेसिव हो के लोग खुश हो जाते हैं कि हमारी लिस्टिंग जो है वो रैंक कर गई है, बूस्ट कर गई है, सेल्स आ रही हैं। और उसके बाद अचानक से 40 डेज 50 डेज गुजरते हैं और आपकी लिस्टिंग भी डी रैंक हो जाती है, आपके जो आपने गिव अवे से रिव्यूज़ लेकर आए होते हैं उसका भी कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि वो ऑर्गेनिक तो होते नहीं हैं। तो आपने इस तरह की इल्लीगैलिटी में नहीं पड़ना, लीगल तरीके से ये बिज़नेस करना है, लीगल तरीके से जाना है। लॉन्ग टर्म फ़ायदा आपको लीगल तरीके से होगा, इलीगल आपने 2-4 महीने काम चलाएंगे और ख़त्म हो जाएंगे। इसीलिए यहाँ पर फेलियर्स के बहुत ज़्यादा आ रही हैं चीज़ें क्योंकि हम इलीगल चीज़ों को ज़्यादा लेकर चलते हैं, लीगल वे के थ्रू हम कम चीज़ों को लेकर चलते हैं। तो आपने इन चीज़ों को मद्देनज़र रखना है और हमेशा हमेशा लीगल चीज़ों को अडॉप्ट करना है। लीगल चीज़ें अडॉप्ट करके आप को थोड़ा टाइम तो ज़रूर लगेगा बट यू विल गेट योर रिजल्ट्स जो कि आप अचीव करना चाहते हैं। ये जी अमेज़न की कस्टमर प्रोडक्ट रिव्यू पॉलिसी है,
इसमें आप पढ़ सकते हैं वॉयलेशंस क्या क्या दी हुई हैं। अ सेलर पोस्ट अ रिव्यू ऑफ देयर ऑन प्रोडक्ट और द कंपेटिटर प्रोडक्ट, पकड़ा गया, ख़त्म है। अ सेलर ऑफर्स अ थर्ड पार्टी, जो कि हम प्रॉक्सी मार्केटिंग में देख रहे हैं आजकल बहुत ज़्यादा इन हुआ हुआ है और बहुत ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स को प्रमोट कर रहे हैं, क्या आप रिव्यूज़ लेकर आएँ इन एक्सचेंज फॉर रिव्यू ऑफ द प्रोडक्ट एंड कंपेटिटर्स की प्रोडक्ट। इसके अलावा सेलर ऑफर रिफंड भी हम देते हैं, जो प्रोडक्ट बाय करता है उस पर रिफंड करते हैं। तो ये जब पकड़े जाएंगे तो आपका अकाउंट बंद है। तो ये वॉयलेशंस आपने नहीं करनी, ये वॉयलेशंस नहीं करेंगे तो आपका अमेज़न का अकाउंट ठीक चलता रहेगा। ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है इसके ऊपर, कोई टॉलरेंस नहीं होगी। ये अमेज़न के सेलर सेंट्रल के ऊपर ये न्यूज़ आ रही है, आप ये देख सकते हैं। तो इस हवाले से आप कोई भी ऐसी चीज़ स्टार्ट में मत कीजिएगा जिससे आपके अकाउंट के ऊपर कोई फ्लैग आ जाए। नेक्स्ट जी, अब आपने करना क्या है? आपने वाउचर लगा दिए, कूपन लगा दिए, आपने गिव अवे नहीं करना, एग्रेसिव पीपीसी नहीं चला रहे, अब रिव्यूज़ चाहिए आपको, सेल भी चाहिए, क्या करना है? आपने एक्सटर्नल ट्रैफिक लेकर आनी है और लीगल तरीके से लेकर आनी है। एक्सटर्नल ट्रैफिक लेकर आने के डिफरेंट तरीके हैं। आप शॉपिफाई के थ्रू लेकर आ सकते हैं वीडियो, कस्टमर का डाटा मैनेज कर सकते हैं थ्रू वारंटी क्लेम्स, सोशल मीडिया के थ्रू लेकर आ सकते हैं, ऑफ द रिकॉर्ड कुछ अदर मेथड्स हैं जो कि हम एडवांस में आपको सिखाएंगे। इसके अलावा लैंडिंग क्यूब का बताते हैं, ट्रैफिक स्टोर के ऊपर कैसे लेकर आनी है, गूगल एड्स क्या सिस्टम चल रहा है और किस तरह से अमेज़ॉन गूगल एड्स को यूज़ कर रहा है और किस तरह से आप अपनी प्रोडक्ट को बूस्ट कर सकते हैं थ्रू गूगल एड्स, इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू आप लेकर आ सकते हैं। तो इसके हवाले से हम वन बाय वन चीज़ों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जी शॉपिफाई वीडियो। शॉपिफाई आपको पता है एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर ई कॉमर्स की प्रोडक्ट्स लगती हैं, ई कॉमर्स से रिलेटेड, और बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है एज़ कम्पेयर टू वर्डप्रेस, क्योंकि वर्डप्रेस जो है जनरल वेबसाइट, इंफॉर्मेटिव वेबसाइट के लिए, और शॉपिफाई जो है वो ई कॉमर्स के लिए है। तो इसके अंदर एक एड ऑन मिलता है, ऐप मिलता है वीलियो का, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ वो काम कैसे करता है। अब हमने शॉपिफाई पे अपनी प्रोडक्ट्स लगा दी, शॉपिफाई का स्टोर है फॉर एग्जाम्पल, इस पर ये वेबसाइट ओपन होती है, यहाँ पे व्हील चलता है। हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर अपना ईमेल डाल देते हैं, वट एवर ईमेल वी हैव, और अपनी लक ट्राई करते हैं। जैसे ही हमने ट्राई करने अपनी लक, ये ऑलरेडी लगा हुआ है, हम एक और ईमेल डाल देते हैं। हमने लक ट्राई की, व्हील मूव किया, ये उसने हमें 5% दे दिया। जैसे ही उसने हमें 5% ऑफ दिया, हमने ये कूपन निकाला, कॉपी किया, कंटिन्यू एंड यूज दिस कूपन पे क्लिक किया, और ये जब क्लिक करते हैं तो इसके बैकएंड पर अब हमारे पास कस्टमर का ईमेल चला गया। हमें पता चल गया कि इस कस्टमर ने ये चीज़ हमसे इतने डिस्काउंट पर बाय कर ली है, ठीक है। और इसकी जो सेटिंग्स है उसके अंदर ये इस ईमेल पर ये कूपन कोड्स भी चले जाएंगे। ये कूपन कोड जब हम वहाँ पर यूज़ करेंगे, एज अ बायर यूज़ करेगा और चीज़ बाय करेगा, और हमारे पास कस्टमर का आ जाएगा डाटा। अब हम कस्टमर को डायरेक्टली ईमेल मैसेज कर सकते हैं, उससे रिव्यू ले सकते हैं, नॉट फ्रॉम द अमेज़न प्लेटफॉर्म। हम डायरेक्टली कस्टमर को राइट कर सकते हैं फ्रॉम आवर ब्रांड पॉइंट ऑफ व्यू, कि जी आपने ये हमारी प्रोडक्ट बाय की थी, इतने परसेंट कूपन था, इतने परसेंट हमने आपको डिस्काउंट दिया था, आप हमें बताएं जी आपकी हमारी प्रोडक्ट कैसी है, रिव्यू का लिंक दे देंगे जी, आप यहाँ पे क्लिक करें और रिव्यू दे दें। कस्टमर गुड फील करेगा और कस्टमर जो है वो आके रिव्यू दे देगा मोस्ट लाइकली। इस ईमेल के अलावा यहाँ पर एसएमएस बम्पर की ऑप्शन भी होती है, जिसमें मैसेंजर या एसएमएस के थ्रू भी ये वीडियो अटैच हो जाता है और कस्टमर को मैसेज चले जाते हैं, तो रिमाइंडर मैसेज लग जाते हैं उसके ऊपर ऑटो, और कस्टमर से रिव्यूज आना स्टार्ट हो जाते हैं।
तो आजकल के दौर में मोस्टली लोग जो हैं वो मोबाइल के ऊपर इस तरह से एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं, बाइंग्स कर रहे होते हैं ऑनलाइन, तो वो उनके लिए ज़्यादा फिजिबल है कि ईमेल के बजाय मैसेंजर के थ्रू अगर हम उनसे कम्युनिकेट हो जाएं तो वहाँ पे वो रिव्यूज़ दे सकते हैं, हम मैसेंजर पे ही उनको रिक्वेस्ट भेज सकते हैं और फटाफट वो वहीं से लॉग इन करेंगे, लिंक देंगे, लिंक पे क्लिक करके जाके वो रिव्यू ले सकते हैं। तो ये बड़ा अच्छा वे ऑफ मार्केटिंग है। इसमें ये देखें जी, सेंड टू मैसेंजर एंड ईमेल, जब कस्टमर जो है वो लॉग इन होगा फेसबुक से और वो मोबाइल के ऊपर तो 24 घंटे लॉग इन ही रहता है, तो उसको मैसेंजर की ऑप्शन नज़र आएगी इंस्टेड ऑफ ईमेल। जो हमने पहले ईमेल निकाला था उसकी जगह उसको मैसेंजर की ऑप्शन नज़र आ रही होगी, वो अपना मैसेंजर के इनपुट करेगा, लॉग इन करेगा उस फेसबुक के अकाउंट के थ्रू और फिर वहाँ से अपना कूपन कोड ले लेगा, और कूपन कोड लेने के बाद उसको मैसेंजर हमारे साथ कनेक्ट हो जाएगा और हम उनको डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं, कोई फ्यूचर में ऑफ़र आएगी वो भी बता सकते हैं, उनसे रिव्यूज़ भी ले सकते हैं। तो ये टारगेट मार्केटिंग हो जाएगी हमारी और कस्टमर का डाटा भी हमारे पास स्टोर हो जाएगा, और ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, इसको आप ज़रूर यूज़ कीजिएगा। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि कस्टमर जो है वो अमेज़ॉन जब उसको ईमेल भेजता है, हम रिक्वेस्ट करते हैं, रिक्वेस्ट अ रिव्यू ऑर्डर में जाकर, तो वो एक ईमेल जाती है अमेज़ॉन की तरफ से। कस्टमर को पता है अमेज़ॉन ने जनरल एक ईमेल भेज दी है, वो कभी कंप्यूटर पे बैठा होगा, वो क्लिक करके अपने अकाउंट में जाएगा और रिव्यू देगा। इस तरह क्या होता है, कस्टमर को बैठे बैठे मोबाइल के ऊपर कोई मैसेज जाता है, मैसेंजर पे मैसेज आता है, कस्टमर उसको ओपन करता है, वहीं से क्लिक करके रिव्यू दे देता है, तो रिव्यू के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए शॉपिफाई में एक तो आपका कस्टमर का डाटा मैनेज हो रहा है, दूसरा रिव्यू मिल रहे हैं। अब कस्टमर का डाटा आपके पास आ रहा है, ये भी आपके लिए बहुत बड़ा डाटा बन जाएगा। कल को फॉर एग्जांपल आपने 1,000-2,000 पीस बेच लिया है इस तरह, और 2,000 कस्टमर का डाटा आपके पास है। अब आप लंच बॉक्स आप बेच रहे हैं, लंच बॉक्स के साथ आप कोई और चीज़ भी बेचते हैं, तो इसी नीश की बेचते हैं आप, इन्हीं 2,000 बंदों की ईमेल्स को आप ईमेल करेंगे, ये 2,000 बंदे कौन से होंगे, ये 2,000 लोग वो लोग होंगे जो कि अमेज़ॉन के बायर होंगे और वो ऑलरेडी इस नीश की प्रोडक्ट बाय कर चुके होंगे। जब वो इस नीश की प्रोडक्ट को बाय कर चुके होंगे, जब उनको 2,000 लोगों को ईमेल और जाएगी कि जी हमने एक नई प्रोडक्ट लॉन्च की है, आपको 20% डिस्काउंट है, ये कूपन कोड है, मोर लाइकली मोर कन्वर्जन आपको मिलेगी, वो लोग आपके प्रोडक्ट को बाय कर लेंगे, ट्रैफिक आएगा बाहर से, आपकी एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट नहीं लगेगी, और आपके एक डाटा जनरेट हुआ हुआ है, आपकी मार्केटिंग हो रही है, रिटेंशन हो रही है, कस्टमर की एक्विजिशन हो रही है। तो ये एक बहुत बड़ी गेम है जो ई कॉमर्स के अंदर हम मिस कर रहे हैं, जो यहाँ के गुरु, यहाँ के जाइंट्स जो हैं वो हमें नहीं सिखा पा रहे। एंड अपस्ट्रीम का प्लेटफॉर्म जो है वो इस तरह की काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेटजीज लेकर आया है, और आगे चलकर हम आपको ऐसी काफ़ी स्ट्रेटजीज का बताएंगे अपने एडवांस कोर्स के अंदर भी, अपनी वीडियोस में भी और अपने कोर्सेज के अंदर भी। बट अगेन, अगर आपके पास इन सारी चीज़ों को करने का टाइम नहीं है, यू नीड टू हायर सम प्रोफेशनल फ्रॉम अपस्ट्रीम, और हम आपका बिजनेस लुक आफ्टर करेंगे और उसके ऊपर ये सारी स्ट्रेटजीज को इम्प्लीमेंट करके उसको ग्रो करेंगे।